राम राम दोस्तों, कैसे हो? और उठ गए होंगे, चाय पानी हो गई होगी। आज 26 जनवरी है, कोई 26 जनवरी देखने के लिए गए होंगे तो बताना। हम भी उठ गए, हमारे भी हो गई चाय पानी। और इधर टेलीविजन का प्रोग्राम देख रहे हैं और इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं इधर। ये पूजा कर रहे हैं इधर। ये अभी उठे, उठ के इन्होंने भगवान जी को नहलाया। भगवान जी को नहला के कोई भी बार त्योहार आते हैं तो ये जरूर पहले भगवान जी को नहलाते हैं, वहाँ पर साफ सफाई करते हैं, उसके बाद ये खुद नहाने जाते हैं और फिर पूजा करते हैं। पूजा करने के ही बाद चाय पीते हैं। और तो अभी नहा धो के चल रही है पूजा की तैयारी इनकी, और अभी मंत्र पढ़ना शुरू नहीं करा। और तो मैंने कहा दिखा दूं कि भगवान जी के सामने बैठे हैं, भगवान जी इनकी भी रक्षा करें, मेरे परिवार वालों की भी रक्षा करें, आपके भी रक्षा करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सारे देश खुश रहे, सुखी रहे, मस्त रहे, और हमारे देश की बहुत ज़्यादा तरक्की बढ़ते जाए। और अब मैं करती हूँ नाश्ता, क्या बनाती हूँ, जो बनाऊँगी दिखाऊँगी। मैं बना रही हूँ पकौड़े और बना के चटनी, और गर्मा गर्म पकौड़े खा लो, ठंड और के बाहर बहुत, और पकौड़े खा के सर्दी जुकाम ठंड सब दूर हो जाएगा। इधर भी बन रहे हैं, और इसमें मैंने ये बना रखा है, मैं इससे बना रही हूँ क्योंकि हाथ पर लतर पत्तर नहीं होता है, इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। ऐसे सही हो रहा है, हाथ में हाथ पर नहीं लग रहा कुछ। हेलो दोस्तों, मैं आ रही हूँ छत में, और छत में बहुत धूप लग रही है, बहुत तेज, और मेरे को लगा है जुकाम। मैं लेट रखी हूँ और मैंने अपने सिर में ये स्टॉल रखा है, चक्कर आ रहा है धूप से, बहुत तेज धूप है आज। और तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ छत में, और नाश्ता कर लिया था ना, नाश्ता वही मैंने पकौड़ी चटनी वही बना रखा था, चाय, और सबने वही खाया। और ये भी आए थे छत में, ये धूप सेक के चले गए नीचे, और बच्चे हैं नीचे। बच्चों को मैंने बोला यार मैं मेरे हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और जुकाम भी लग रखा है, मैं थोड़ा छत में जाती हूँ धूप सेक के आती हूँ, तुम तब तक बर्तन बर्तन कर देना। और झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, जब ये करते हैं, जब पूजा पाठ करते कर रहे थे, मैंने कहा चलो पूजा पाठ कर रहे हैं मैं पहले झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ, और ये चाय भी नहीं पियेंगे तब तक, तो मैंने झाड़ू पोछा तभी कर दिया था। और अब खाना पता नहीं, खाना खाएंगे नहीं खाएंगे अभी कोई पता नहीं है। मैंने कहा मैं तो अभी थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। एक आंटी भी आ रखी है यहाँ पर, वो कान सुनती नहीं है, बात विचार भी करो तो किसी करो क्या करो। और छत में वैसे नींद नहीं आती है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, और क्योंकि मेरे हाथ पैरों के दर्द की बीमारी है तो जो उस वजह से मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, मैं ज़्यादा देर घूम भी नहीं पाती हूँ, और ज़्यादा देर लेट भी नहीं पाती हूँ। जैसे मैं लेटती हूँ वैसे मेरा दर्द शुरू हो जाता है, और अभी थोड़ा सा हाथ पैर गर्म हो गए हैं मेरे। ओ चले गए आंटी उधर, अपने कपड़े धो रखे हैं उसने, बहू अपने अपने कपड़े धोती है, सास अपने अपने कपड़े धोती है, तो आ रही है अब हमारे साथ बैठना, इसको बहुत अच्छा लगता है अवल। तो थोड़ा देर पहले मेरे
बच्चों के पापा के साथ बैठी रहती है, उनके साथ मारती है गप सप और बातें लगाती है उनके साथ, वो तो सुनती नहीं है कुछ, दम उखड़ जाती है उससे बोल बोल के। और अब मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मेरे गले में खराश हो जाता है ज्यादा तेज से बोल के। अब ऐसे ही थोड़ा इशारा करेंगे तो यहाँ पे बन रहे राजमा बन रही है और यहाँ बर्तन बर्तन धुल रहे हैं और आप आटा गूंदना रोटी बनाना बाकी है। दिन में तो ये जुकाम की वजह से लेटी ही थी और दिन में वैसे भी हमने आज चावल नहीं बनाए थे और सुबह के ही भरा था पेट, चाय भी पी थी, चाय के साथ जो पकौड़े बच रखे थे वो पकौड़े खाए थे बस।